तो इस बार शौमिक ने मुझे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज सोमवार है एंड थैंक यू सो मच। अभी भी इतने सारे विशेस आ रहे हैं, तो थैंक यू सो सो मच। एंड आज आप लोग डायरेक्टली मेरे घर आ गए, पैटियो से नहीं आए, क्योंकि अभी आप लोग सोच रहे होंगे फाइल तुम्हारे घर में हर वक्त यही प्रॉब्लम चलता रहेगा क्या। तो जस्ट लुक, सो फिर से मेरे पैटियो में है इतना सारा स्नो। तो कल भी हम लोग के यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, एंड वो लोग बोल तो रहे थे अराउंड 6 6 to 8 inches स्नोफॉल। अभी मुझे इतना पता नहीं क्योंकि मैंने मेजर नहीं किया, बट एनी हाउ इट वॉज सो मच फन। कल जब स्नो गिर रहा था ना, तब अचानक से शौमिक को आइडिया आया। ही वॉज लाइक कि चलो पायल, यू नो, राय को लेके हम लोग वो पार्क में चलते हैं, क्योंकि बच्चे लोग ना बहुत एंजॉय करते हैं, एंड जब स्नोफॉल होता है ना तब खेलने में बहुत मजा आता है। तो चलिए, मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है, आप सबको दिखाते हैं कि किस तरीके से कल हम लोगों ने एंजॉय किया स्नोफॉल जब गिर रहा था। तो आज संडे है एंड हम लोग के यहाँ पे आज अराउंड बोल रहे 6 inches तक स्नो होगा। तो हम लोग फिर से कल जहाँ पे आए थे पार्क पे, आज फिर से हम लोग आए हैं एंड ट्रस्ट मी बहुत मजा आ रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है एंड यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो हम लोग को लगा है गिर गया या हंसवामी गिर भी गए उस अमर एंड मेरा बैटरी भी कमती है। तो राय अभी कर रही है एंड राय लाइक मम्मी तुम भी करोगे ना। लो मुझे मुझे बहुत डर लगता है। ओ कहाँ पे या सी सी from my window, sun's coming up like the day before, you're like a stone on my pillow. तो कल हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया एंड हाउ फन वाज इट मामा, सो फन। तो इसी कारण ना, क्योंकि स्नोफॉल हुआ है, रास्ता थोड़ा स्लिपरी हो जाता है ना। फॉर दैट राय का स्कूल इज 2 आवर डिले। तो राय अभी अपना पढ़ाई कर रही है, क्योंकि कल राय का फेवरेट सब्जेक्ट का टेस्ट है, दैट इज स्पेनिश। स्पेनिश, हाउ डू यू लाइक स्पेनिश मा? स्पेनिश उनको रॉन्ग, पर एक्चुअली ना राय को सबसे अच्छा मार्क्स स्पेनिश में मिलता है एंड उसको स्पेनिश टीचर बहुत पसंद भी करती है, बट स्पेनिश इज वन सब्जेक्ट ना राय को। राय लाइक मम्मी स्पेनिश टेस्ट है, स्पेनिश टेस्ट है। तो चलिए अभी राय पढ़ाई करेगी एंड उसका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग ऊपर चले जाते हैं। बाय बाय मम्मा, बाय बाय। तो अभी टाइम इज 9:30 एंड मैं क्या सोच रही हूँ कि किचन में जाने से पहले, किचन में ऐसा जाने से पहले मतलब सुबह में तो किचन में आई थी एंड ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ ओट मील बनाया था। तो मैंने अभी भी अपना ब्रेकफास्ट नहीं खाया है, तो मुझे लग रहा है कि ब्रेकफास्ट खाने से पहले एंड किचन का वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं जाके ना वो जो मेरा पैटियो साफ करने का काम है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि धूप भी निकला है ना, अभी इजीली साफ हो जाएगा। एंड अब देखेंगे ना, सुबह में ना थोड़ा जोश रहता है, फिर जब आप घर का काम एंड ऑल स्टार्ट कर लेते हैं ना वो जोश चला जाता है। मेनी ऑफ यू, आप लोग बहुत जन पूछ रहे थे कि पायल तुमने तो दिखाया नहीं, तुमने एनिवर्सरी में क्या गिफ्ट मिला उस दिन ना, फिर मैं इतना ज्यादा बिजी हो गई, होता है ना से आई डिडंट शेयर ऑल्सो द रेसिपी नाइसली, तब मैं इतना बिजी हो गई थी ना, मैं भूल ही गई, आई एम वेरी सॉरी। मैं आज के व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। तो चलिए मैं अभी वो काम कर लेती हूँ एंड आप लोग भी चलिए मुझे ऐसा सपोर्ट कर करके वर्चुअली हेल्प कर लीजिए। तो कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में, थोड़ा मुश्किल होता है बट एट द एंड ऑफ द डे इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल आल्सो।
तो चलिए अभी बातें कम काम ज़्यादा, मैं कोशिश करती हूँ कि 15 मिनट्स में ये सब, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही फ्लफी है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। फाइनली एवरी थिंग इज क्लीन एंड एक्चुअली आज और भी ईजी था क्योंकि स्नो ना बहुत ज़्यादा फ्लफी था। एक्चुअली उस दिन स्नो थोड़ा हार्ड हो गया था, आज बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। एंड स्नो जब लाइक इतना क्या बोलूँ मैं, बोलूँ कॉटन के जैसा रहता है, इट इज़ सो लाइट, तो बहुत ही ईजी होता है। लाइक ये सब काम ना इमीडिएटली कर दे तो आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान जी भी मेरा साथ देंगे। सी द सन इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल राइट, सी जैसे उस दिन सब कुछ यू नो क्लीन हो गया था, ऐसा ही मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लीन हो जाए। तो ये काम मेरा ख़त्म हो गया है। जस्ट सी, मुझे बहुत प्यारा लगता है। एंड एक्चुअली हम लोगों के बैकयार्ड में इतना सारा स्नो है ना, पर वो तो कोई ज़रूरत ही नहीं है साफ एंड ऑल करने का। मम्मी से बात करते करते अच्छा हुआ मैंने फुल ओट मिल खा लिया। एंड थैंक यू सो मच, आई एम सो ब्लेस्ड यू नो कि यूट्यूब में यू नो द कम्युनिटी दैट आई हैव इन माई चैनल, इट इज सो ब्यूटिफुल। बहुत ही एक अच्छा कम्युनिटी है। डेफिनेटली आप जब कमेंट देखते हैं ना, इफ यू सी द कमेंट्स आर गुड, हम लोगों को तो बहुत पॉजिटिविटी मिलता ही है। एंड जो लोग देख भी रहे हैं, मुझे लगता है व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लवली विशेज। में जितना आप सबके बारे में बोलूं मैं बताऊंगी कम है। एंड आप लोग राय को भी लेके इतना अच्छा बोल रहे थे। एंड बहुतों ने आपने मुझे करेक्ट किया है, विच इज मुझे पता नहीं है, मैं बोलती हूँ बेकिंग एंड ऑल इज नॉट माई लाइन। तो जैसे आप लोग बहुत जन बोल रहे थे ना कि इंस्टेड ऑफ बटर ना मुझे ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते वक्त आई शुड हैव एडेड, लाइक हम लोग को ऑयल देना चाहिए था। एक्चुअली हम लोग बहुत सारे रेसिपीज देख रहे थे, सभी में ना वो लोग बोल रहे थे ऑयल देना। एंड फिर यू नो एक मैं बोलूँ इंडियन पेरेंट्स का होता है ना कि अरे मेरी बच्ची बना रही है ऑयल से बनाएगी, जब बटर घर पे है तो बटर से बनाएगी। तो फिर मुझे ना लगा नहीं नहीं नहीं, अरे जब बना रही है बटर से बनाएगी, तो इसीलिए हम लोगों ने बटर दे दिया। एंड द अदर थिंग इज ना सी चेरी का वाटर था, ये मुझे राय कल बोल रही थी, दिस चेरी ना इज वेरी गुड, अगर आप लोग यहाँ पे रहते ना यू कैन यूज दिस चेरी, मुझे ये चेरी बहुत पसंद है। तो उसे चेरी का पानी है ना, मुझे ये पानी देना चाहिए था इंस्टेड आई फील सो ऑफ गिविंग शुगर वाटर। शुगर वाटर भी मुझे लगता है थोड़ा और पतला करके देना चाहिए था, एंड मुझे ये चेरी का पानी देना चाहिए था। ये मुझे राय कल बोल रही थी कि मम्मी हम लोग को चेरी का पानी देना चाहिए था। पर जो भी हो, केक बहुत अच्छा बना था एंड खत्म भी हो चुका है। तो चलिए अभी मैं जल्दी जल्दी मैं खाना बनाती हूँ। एक बहुत ही सिंपल मसूर दाल बना रही हूँ, उसके लिए यहाँ पे मैंने मसूर दाल लिया है। देन मैंने अराउंड 5 to 6 क्लोव्स ऑफ गार्लिक यानी लहसुन की कलियाँ आपको लेना है। फिर मैंने टमाटर लिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ बीच में से ही टमाटर को कट किया है। एक ग्रीन चिली लाइक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी, सॉल्ट एंड अभी हम लोग बिठा देंगे। एंड यहाँ पे मेरा नाइफ का शार्पनेस थोड़ा कमती हो गया है, तो आज मैं एक आलू गोभी लाइक अचारी आलू गोभी बनाऊंगी। तो अचारी गोभी बनाने के लिए मेरे पास ना यहाँ पे अचार मसाला है, तो मैं अराउंड 1 tablespoon ऑफ अचार मसाला ले रही हूँ। सॉरी मैंने 2 tablespoon लिया है, पर सपोज अगर आपके पास अचार मसाला ना हो तो अचार तो होगा, देन टेक सम अचार एंड मिक्सी में उसका पेस्ट बना लीजिएगा। तो यहाँ पे कढ़ाई गरम हो चुका है एंड फर्स्ट ना आलू एंड गोभी को अच्छी तरीके से हम लोगों को फ्राई करना है। एंड अभी ना ये मेरा फेवरेट कढ़ाई है, तो आलू गोभी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अभी हम लोग इसको निकाल के रख देंगे।
एंड ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर से कढ़ाई पे मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, तो फर्स्ट मैं उसमें अराउंड 1 टीस्पून ऑफ जीरा, 1 टीस्पून ऑफ सरसों, फिर हाफ टी स्पून ऑफ हींग मैंने ऐड किया है। तो अभी मैं फाइनली चॉप्ड अनियंस ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1 मीडियम साइज अनियन आपको लेना है, फिर अराउंड 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे अचार मसाला जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था। तो अभी ना मैं इसमें थोड़ा शुगर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अचार मसाला जो है ना वो कभी कभी थोड़ा कड़वा होता है, तो इट विल बैलेंस इट ऑफ। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से भून चुका है। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर एंड अराउंड 3-4 टेबल स्पून ऑफ दही, ये लाइक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है। एंड अभी हम लोग ऐड कर देंगे गोभी एंड आलू। तो गोभी एंड आलू ऑलमोस्ट 50% कुक है, पर अभी हम लोग को कड़छी को अच्छी तरीके से चलाना है, लाइक अच्छी तरीके से भूनते रहना है। एंड सॉल्ट ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो फिर अभी मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करके ना इसको कवर करके रख दूंगी, जब तक ना गोभी एंड आलू अच्छी तरीके से पक जाए। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि गोभी एंड आलू पक चुका है। तो एट द एंड हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा कोरिएंडर लीव्स। तो दाल अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है एंड अभी टमाटर का जो स्किन है ना वो हम लोग निकाल लेंगे, तो इसीलिए मैंने हाफ टमाटर को लाइक किया था ताकि स्किन बहुत आसानी से निकल जाए। एंड बस अभी मैं इसमें थोड़ा धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर, मुझे थोड़ा पतला बनाना है। एंड फिर एट द एंड मैं थोड़ा घी ऐड करूंगी। बस हम लोग इसमें और कुछ भी तड़का नहीं देंगे, बहुत ही सिंपल एक दाल है। आज तो सोमवार है तो डेफिनेटली कुछ तो नॉनवेज बनेगा, तो मैं बहुत ही सिंपल शॉमिक एंड राय भी खाती है ये, मैं एक फिश फ्राई टाइप बना रही हूँ। इट्स ए वेरी इजी रेसिपी। मैंने सिर्फ थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था, लिटिल बिट ऑफ तंदूरी मसाला, थोड़ा राइस फ्लोर, फिर सब कुछ मिला के यू नो मैं फ्राई कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं सैलड भी कट कर रही हूँ। क्या करें, मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, यू नो वीक डेज में राय का स्कूल चलता है, शॉमिक का तो काम रहता ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं जल्दी जल्दी खाना बनाना खत्म कर लूँ ताकि वो लोग समय पे खा सके। एंड सैलड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सैलड कट करते करते फिश फ्राई भी हो गया। दिस इज अ वेरी इजी रेसिपी। एंड हाँ, मैं थोड़ा करी लीव्स भी ऐड करती हूँ। फाइनली लंच बनाना खत्म। एंड राय बोल रही है गोभी आलू ना बहुत टेस्टी हुआ है, तो अगर मेरे पास तो वो अचार मसाला था, एंड एक्चुअली दैट अचार मसाला इज मेकिंग अचार, तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है। एंड मैंने जैसे दिखाया ना वो स्वाद का है, आई एम श्योर इंडिया में भी मिलता है, पर क्या जरूरत है टू फॉर वन रेसिपी टू बाई अचार मसाला। एंड घर में जो अचार है ना उससे बनाइएगा, थोड़ा अचार लेके ना पेस्ट कर लीजिएगा, उससे भी बहुत टेस्टी होगा, लाइक द टेस्ट विल बी द सेम, इट्स टैंगी ना माँ। तो आपको जैसे बहुत जन आप लोग बोलेंगे पायल तुमने थोड़ा शक्कर दिया है, क्योंकि इसको ना बैलेंस आउट करना पड़ता है, बिकॉज सरसों रहता है ना, तो सरसों ना थोड़ा कड़वा कर देता है, तो इसलिए थोड़ा दही ऐड कीजिएगा। फिर अगर आपको तीखा ना लगे ना, दैट ऐड सम यू नो फाइनली चॉप थोड़ा ग्रीन चिलीज, नहीं तो थोड़ा ग्रीन चिली पेस्ट भी दे सकते हैं, पर मैं तीखा थोड़ा कम देती हूँ क्योंकि राय इतना ज्यादा तीखा भी नहीं खा सकती। आज बहुत जल्दी एक्चुअली लंच खाना भी हो गया है एंड थोड़ा टाइम भी है, तो मुझे लगा कि चलो मैं लिविंग रूम थोड़ा साफ कर देती हूँ। एंड ऐसे भी मुझे लगता है ना सोमवार में जोश हम सबको ही रहता है, फिर धीरे धीरे जैसा वीक आगे बढ़ता है जोश थोड़ा धीरे धीरे कमती हो जाता है। तो घर का सारा काम खत्म एंड नाउ द टाइम इज 2:30 होने वाला है, तो मैं नहा के आ जाती हूँ। एंड अचारी गोभी इतना टेस्टी हुआ था ना, इट्स वेरी सिंपल। जनरली शॉमिक को ना गोभी इतना, किसी का रहता है ना उनको तो ऐसा ही वेजेस पसंद नहीं है, गोभी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर आज लाइक फर्स्ट टाइम ही वाज लाइक बहुत टेस्टी हुआ है, थोड़ा अलग होता है खाने में। एंड डेफिनेटली मैं जैसे बोल रही थी ये अचार मसाला तो सबके घर में नहीं रहता है ना, अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई तो अचार होगा ही। मुझे लगता है ना ये मैंगो अचार नहीं तो मिक्स फ्रूट अचार से भी अच्छा होगा, जस्ट उसको लेके ना थोड़ा लाइक पेस्ट बना लीजिए। बट आज आई फेल्ट ना थोड़ा तीखा कमती हुआ, इसमें अगर तीखा ज़्यादा हो ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा।
एंड आई फील सो ये ना पराठे के साथ, प्लेन पराठे के साथ नहीं तो अजवाइन पराठे के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में। तो चलिए लेट मी गो टेक ए शावर एंड कम एंड फिर मैं थोड़ा ऊपर जाके पूजा भी देना है मुझे। एंड हाँ, आप लोग बहुत जन पूछ रहे थे पायल तुमने नहीं दिखाया तो आई एम वेरी सॉरी, मैं नहा के आती हूँ फिर मैं दिखाऊंगी। तो नहाने जाने से पहले मुझे लगा चलो मैं आप सबको दिखा देती हूँ। तो इस बार शौमिक ने मुझे ये दिया है, दिस ब्रेसलेट। ये तो शौमिक ने मुझे दिया था, आई थिंक सो हम लोगों ने दुबई एयरपोर्ट से खरीदा था दिस वन। अब लोग बहुत जन पूछते रहते हैं, ये हम लोगों ने दुबई एयरपोर्ट से खरीदा था 2 years back। तो ये नहीं, ये पुराना है, ये नया है। ये हम लोगों को थोड़ा दिन पहले रिसीव हो गया था, बट इसका पैकेजिंग इज सो क्लासी। मैंने बहुत सारे पैकेजिंग देखे हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स के, पर दिस पैकेजिंग ना वाज लाइक बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग भेजते हैं। एंड दिस ओनली विल मेक यू हैप्पी, वो बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन, जिसे देख के आप खुश हो जाए। कार्टियर करके, तो दिस इज ए फेमस लव ब्रेसलेट, पर ये छोटा साइज है, ये SM है, ये वो लाइक जो ओरिजिनल लव ब्रेसलेट है वो नहीं है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। एंड दिस इज ऑल्सो ना बहुत लाइक बहुत ही हेवी है, तो बहुत जन बोल रहे थे कि वो बड़ा वाला इट सीम्स बहुत हेवी होता है, अगर आप हर वक्त पहने ना तो आपको अनकम्फर्टेबल लगेगा। एंड मोस्ट ऑफ यू नो कि यहाँ पे यू नो ऐसे भी मैं हर वक्त कुछ ना कुछ काम तो करती ही रहती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जो कम्फर्टेबल हो एंड विच आई कैन वेयर ऑलवेज। तो एंड और एक सच्ची बात तो ये है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो आई वॉज लाइक नहीं मुझे तुम यही दो, मुझे यही काफी अच्छा लगा। एंड क्यों नहीं, द स्पेशलिटी इज कि ये स्क्रू ड्राइवर ही बोलते हैं ना, राय मुझे हंसती है। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर है ना, तो दिस इज ओनली द यूनिकनेस ऑफ दिस ब्रेसलेट। एंड ये भी 18-carat गोल्ड प्लेटेड है, तो यही यूनिकनेस है। एंड इसीलिए दिस ब्रेसलेट इज सो फेमस कि इसी स्क्रू ड्राइवर से आई कैन ओपन दिस ब्रेसलेट, अगर ये खो गया तो आई कैन नेवर ओपन इट। एंड वो लोग ने ऐसा ज्वेलरी एक बैग भी दिया है, सपोज इफ आई ट्रेवल एंड ऑल तो आई कैन टेक इट। तो ये काफ़ी यूनिक था एंड मुझे बहुत पसंद आया। पहले लेने के टाइम में लेने के टाइम में मैं बहुत हिचकिचा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था सी एट द एंड ऑफ द डे ये गोल्ड ही है, एंड मुझे लग रहा था कि इससे तो बहुत बड़ा एक गोल्ड का सेट आ जाएगा। मैं बहुत ही आई एम सेइंग इट वेरी ओपनली, मेरी मम्मी ने भी सुन के यही बोला कि इससे तो अच्छा खासा एक गोल्ड का सेट आ जाएगा, तो मुझे लग रहा था। फिर मैंने बहुत कुछ सोचा, मैंने सोचा सी आई स्टे हियर ओनली, एंड कहीं ना कहीं दिस ऑल थिंग्स ना आर वेरी वैल्यूएबल इफ यू लिव इन ऑल दिस कंट्री, ये सब का बहुत वैल्यू है। एंड दिस इज अ यूनिक थिंग राइट, एंड तो मुझे लगा नहीं लेट मी टेक दिस, इट्स क्वाइट यूनिक थिंग एंड अच्छा लग रहा है मेरे हाथ पे। तो यही था मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट। बहुतों ने आपने नोटिस किया, बिकॉज दैट डे व्हेन आई वाज मेकिंग एन अर्ल, बहुतों ने बोला भी अरे पायल तुमने लव ब्रेसलेट लिया है, तो यही है मेरा गिफ्ट। बट जो ओरिजिनल लव ब्रेसलेट है ना, वो दोनों वो फुल हाफ हो जाता है ब्रेसलेट, एंड देन यू हैव टू स्क्रू देम, पर वो जैसे लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। दिस इज वेरी इजी, आप अकेले ही लगा सकते हैं। तो अभी किचन को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है, एंड मैंने यहाँ पे गर्म पानी भी कर लिया है क्योंकि मुझे ग्रीन टी पीना है, एंड शौमिक के लिए भी मैं ले जाऊंगी। तो अभी किचन फिर ओपन होगा,
यू नो जब मेरा एडिटिंग एंड ऑल खत्म होगा, तो अभी से मैं क्या सोच रही हूँ ना, मैं थोड़ा जल्दी चाय पी लूंगी। पहले क्या होता था, श्रमिक विद इन 7:30 आ जाते थे, पर अभी क्या होता है, कभी कभी ना हम लोग 8:30 को चाय पीते हैं। अब मैं एडिटिंग करती हूँ, पी को कभी मैं नीचे चली जाती हूँ एक्सरसाइज करने, यू नो लाइफ थोड़ा अलग हो गया है। पहले का रूटीन वॉज टोटली डिफरेंट। अभी एक साल से मैं बोलूंगी ना, हम लोगों का डेली इज वीकेंड। वीकडेज में क्या होता था, ये दोनों चले जाते थे, रूटीन थोड़ा अलग होता था। अभी सब लोग रहते हैं ना, जैसे कि मैं प्रॉपर खाना बनाती हूँ ताकि लंच सब लोग अच्छी तरीके से खाए, आई एम श्योर वी ऑल डू द सेम थिंग ओनली। तो चलिए ऐसा ही लाइफ चलता रहेगा। एंड आज कौन सा डे है मुझे बताना, ट्रस्ट मी मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता है। रोज डे के बाद शायद कुछ चॉकलेट डे एंड ऑल आता है, आई डोंट नो एनीथिंग। मैं जैसे बोलती हूँ ना, वैलेंटाइंस डे इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि उससे पहले मेरा एनिवर्सरी आता है। एंड कहीं ना कहीं फॉर एवरी मैरिड वुमन एनिवर्सरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, प्लीज डोंट से शो ऑफ एंड ऑल, बिकॉज यू नो आप लोग सब पूछ रहे थे, एंड कितने सालों से वी हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप, ऑल ऑफ यू नो दैट। एंड एनिवर्सरी इज, मुझे लगता है ऐसा कुछ है जिसमें हम लोगों को लेना ही चाहिए, एटलीस्ट ये मेरी सासू माँ दावा करती है। लाइक सासू माँ हर वक्त मुझे बोलते हैं, पायल कभी भी कुछ भी त्यौहार पर तुम कुछ लो ना लो, एनिवर्सरी पर जरूर कुछ लेना, कुछ ऐसा लेना जिससे लक्ष्मी आए घर में। तो आई फॉलो हर ट्रेडिशन। एंड ऐसा भी नहीं है कि मेरी सासू माँ अभी भी लेती है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। यू नो कोई मुझे आज लिख रहा था कि मेरे मम्मी पापा क्या 26 एनिवर्सरी है, था जिस दिन हम लोगों का था, तब मैं उसको बोल रही थी कि तुम्हारे मम्मी पापा को बोलना कि यू नो यू शुड स्टे यंग बाय हार्ट। मुझे हर वक्त वही लगता है, वो जैसा मुझे यू नो फर्स्ट सेकेंड एनिवर्सरी पे खुशी होता है, वो हर ही साल हम लोग को रहना चाहिए। ऐसा बोरिंग नहीं होना चाहिए, एंड लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। बट यू नो जैसे कि मैं बोल रही थी, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन। एंड आज आपको जाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप सबको दिखाया कि मेरा बैकयार्ड में है इतना इतना सारा स्नो। एंड या आज भी भगवान ने मुझ पर बहुत रहम किया, तो सी एवरीथिंग इज सो बहुत ही अच्छी तरीके से सब साफ हो गया है। ओनली मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा साफ करना है, क्योंकि थोड़ा ना सा स्लिपरी हो रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया है। जाने से पहले विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीक डेज, बस और क्या है, मस्ती करते रहिए, हैव फन एंड हाँ चिल आउट। तो चलिए बाय बाय।